उधर चुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस की क्या है आगामी रणनीति, इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत से बात की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने, आप भी सुनिए। अब किस तरह से मैदान में हुर्रा, 14 फरवरी परिवर्तन का दिन और उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मानस बना चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि 14 फरवरी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी और एक विकास परक सरकार आएगी, जनकल्याणकारी सरकार आएगी और उत्तराखंड एक 21वीं सदी के नौजवानों के भविष्य को संवारने वाली सरकार आएगी। कैसे होगा, भाजपा तो चुनौती के रूप में खड़ी है, क्या उससे डर है थोड़ा बहुत या चुनावों में जिस तरह का पहले चलता रहता है तमाम चीज़ों को लेकर? चुनाव में भाजपा से जनता लड़ रही है क्योंकि जनता उनसे सवाल कर रही है, पिछले 5 साल में क्या किया तुमने, हमारा मखौल बनाया तुमने, 3-3 मुख्यमंत्री थोप करके हमारा मजाक बनाया तुमने, कोरोना टेस्टिंग का घोटाला करके हमारे कुंभ को कलंकित करने का काम, उस पर एक दाग लगाने का काम किया तुमने, तुमने जो है कोरोना के समय में लोगों को बचाने के उपाय करने के बजाय उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया। कोरोना में सर्वाधिक मृत्यु दर जिन 2 राज्यों में थी उनमें एक उत्तराखंड भी था। हरीश रावत जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? यदि अभी बस 2-1 दिन में हम पर्दा उठा देंगे, लड़ेंगे तो जरूर। मैंने कहा हम तो राजनीतिक नर्तक हैं, हम नाचेंगे जरूर। ये थे हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावों को लेकर उन्होंने तैयारी कर ली है और अब बेहतर तरीके से वो चुनावी मैनेजमेंट के तहत चुनावों में जाया जाएगा और फिर उसके बाद देखना होगा किस तरह से जो उत्तराखंड के मतदाता हैं आगे आते हैं और किस तरह से मतदान करते हैं। देहरादून से निशांत के साथ पंकज राणा, ABP। और चलिए इस बीच आपको हल्द्वानी से एक बड़ी खबर बता दें, नैनीताल के SSP पंकज भट्ट कोविड पॉजिटिव पाए गए। SSP पंकज ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। एक तरफ चुनावी मौसम और दूसरी तरफ किस तरीके से कोविड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, देखिए नैनीताल के SSP पंकज भट्ट कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। SSP पंकज ने खुद को होम आइसोलेशन में रखा हुआ है, साथ ही साथ लोगों से उन्होंने अपील की है कि जो उनके संपर्क में आए हैं वो एहतियात बरतें। दरअसल पहाड़ पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड लगातार टूट चुके हैं, एक दिन में 1560 नए मरीज मिले हैं और अब उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3254 हो चुकी है। सबसे ज्यादा देहरादून से मरीज निकलकर सामने आए, 537 यहां पर आंकड़ा है, जबकि नैनीताल में 404 आंकड़ा है और हरिद्वार में 303 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, पहाड़ों पर इस वक्त स्थिति क्या है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए अल्मोड़ा में 52, चंपावत में 46 नए मामले सामने आए हैं, एक दिन में 1560 नए कोविड मरीज पाए गए। देहरादून में 537 आंकड़ा है, नैनीताल में 404 है, हरिद्वार में 303, पिथौरागढ़ में 82, अल्मोड़ा में 52, चंपावत में 46, उधम सिंह नगर में 37, उत्तरकाशी में 20 मरीज पाए गए हैं और ये राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 3000 के पार है। 1500 से ऊपर कोविड के नए केसेस हैं और किस जिले में कितने मरीज पाए गए हैं उसकी जानकारी भी लगातार हम आपको दे रहे हैं और एक दिन में 1560 कोरोना के नए मरीज पाए गए जबकि एक्टिव केसेस की संख्या भी 3000 के पार है।